हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सामने एचएलपी प्रमुख और विधायक गोपाल कांडा के निर्देश पर शुरू की गई लॉकडाउन लंगर सेवा की चौतरफा तारीफ हो रही है। सिरसा के युवा दलित नेताओं ने भी इस सेवा की सराहना करते हुए विधायक गोपाल कांडा और श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा को साधुवाद किया। युवा दलित नेता पंकज चौहान और वार्ड ए के पार्षद राजेंद्र कुमार राजू ने कहा कि इस लॉकडाउन सेवा से विशेष रूप से स्लम बस्तियों के गरीब और जरूरतमंद लोग लाभान्वित हुए हैं। निरंतर जारी यह सेवा पूरे देश में अनूठी सेवा की मिसाल पेश कर रही है। युवा नेता पंकज चौहान ने कहा कि एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा सही मायने में भारत रत्न बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षाओं पर चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग तक जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लंगर सेवा की। उन्होंने कल यानी 14 अप्रैल को बाबा साहिब की जयंती घर में बैठकर मनाने का आह्वान भी किया था। इसके साथ ये भी कहा कि बाबा साहिब के विचारों से प्रभावित जन अपने घर पर कल दिए जलाएं। उन्होंने श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और मुख्य सेवक गोविंद कांडा की सेवा भावना की सराहना की है। सेवा कार्य में जुटे पार्षद राजेंद्र कुमार राजू ने बताया कि लॉकडाउन में सिरसा के 31 वार्डों में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और इसी भावना के साथ सिरसा के विधायक और एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा के निर्देशों पर भोजन वितरण कार्य शुरू किया जा रहा है।